जयपुर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह का आयोजन ओटीएस के हरीश चंद्र माथुर भवन में किया गया। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र जयपुर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति इसमें प्रोफेसर डॉक्टर आर के कोठारी इसमें मौजूद रहे, तो वहीं पर इस दौरान इग्नू की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर ममता भाटिया भी मौजूद रही। कार्यक्रम में जयपुर रीजनल केंद्र के 1,564 स्टूडेंट्स को डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर 2 स्टूडेंट को प्रोफेसर कोठारी ने स्वर्ण पदक देकर के सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर कोठारी ने कोटा केंद्रीय जेल अधीक्षक सुमन मालवीय को भी प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आर के कोठारी ने बताया कि प्रोफेसर कोठारी ने कहा कि आप सबकी डिग्रियां एवं विशेषकर स्वर्ण पदक विजेता छात्र हमारे समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इग्नू से मेरा लंबे समय से लगाव रहा है, इस दीक्षांत समारोह में आकर के मुझे बहुत खुशी हुई है। इग्नू शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो 1985 में जब इग्नू ने यहाँ पे एक्टिविटीज स्टार्ट की तो मैं यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेज का असिस्टेंट प्रिंसिपल था, और ये भी मुझे बड़ी खुशी है कि पहली एकेडमिक एक्टिविटीज की शुरुआत कॉमर्स कॉलेज से हुई। बाद में वो पड़ोस में राजस्थान कॉलेज में शिफ्ट हुआ। 15 वर्ष तक मेरा इग्नू से एसोसिएशन रहा, और आज 32वें दीक्षांत समारोह में आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है जिसके करीबन 3 मिलियन के आसपास स्टूडेंट्स हैं। आज का दीक्षांत समारोह जयपुर में आयोजित किया गया, न केवल जयपुर में वरन संपूर्ण भारत में इग्नू मुख्यालय नई दिल्ली के समेत विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों पर इस दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। जयपुर में करीब 2000 स्टूडेंट्स ने डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं। और आज के देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।